नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। कहते हैं कि कर्मा बड़ा बलशाली है। अब एक ताजा मामला इसका बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। दरअसल उद्योगपति मुकेश अंबानी के बहुमंजिला आवास इंटीलिया के बाहर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार खड़ी मिली थी और उसमें बम बनाने के सामान मिले थे, जिसके बाद जांच शुरू हुई और कार के मालिक मनसुख हिरेन कुछ ही दिनों बाद संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए थे। NIA ने इस मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजी को गिरफ्तार किया है, जिसका शिवसेना नेताओं ने विरोध किया है। एक मीडिया चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक वाजे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। NIA ने जानकारी दी है कि सचिन वाजे को कार माइकल रोड में बम रखी हुई गाड़ी पार्क करने में भागीदारी वाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। वाजे की SUV को जब्त कर लिया गया है और सबूत के लिए कार की तलाशी भी ली जा रही है। ताजा अपडेट फिलहाल ये है कि सचिन वाजे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और कहा है कि मुकेश अंबानी को दी गई बम वाली धमकी में जो षड्यंत्र था पूरा, उसका वो हिस्सा थे। इसी खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि षड्यंत्र का जो वो हिस्सा थे, उन्होंने कहा है कि वो इसका छोटा सा हिस्सा थे और बड़े खिलाड़ी शिवसेना के वो नेता हैं जिनका उन्होंने नाम लिया है। सचिन वाजे ने पूछताछ में कहा है कि वो इस प्रकरण का छोटा सा ऊपरी हिस्सा है और जब इस मामले में शिवसेना नेताओं के नाम सामने आए हैं तो पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा है कि एक उद्योगपति के मामले की जाँच एक केंद्रीय एजेंसी क्यों कर रही है। NIA हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, जो अभी भी जारी है। राउत ने आगे कहा कि मुंबई पुलिस ने कई बड़े केस हल किए हैं और इस केस की जांच भी वो कर रही थी, लेकिन अचानक NIA घुस आती है और ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है। संजय राउत ने दावा किया है कि इससे मुंबई पुलिस का मनोबल गिरा है। सचिन वाजे की जो इनोवा गाड़ी तलाशी के लिए लाई गई है, कहा जा रहा है कि वो उस दिन उक्त स्कॉर्पियो से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। भाजपा नेता राम कदम ने सच्चाई सामने लाने के लिए सचिन वाजे का नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की है। हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि पुलिस अधिकारी के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है मानो वह ओसामा बिन लादेन हो, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उस पर चुटकी लेते हुए कहा था कि वाजे को वकील की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी वकालत खुद राज्य के CM कर रहे हैं। सचिन वाजे के बारे में बता दूं आपको कि वो एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताए जाते हैं। कोल्हापुर के रहने वाले हैं वाजे। 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं, जिन्होंने 1992 से लेकर 2004 के बीच 63 अपराधियों का एनकाउंटर किया है। बई के घाटकोपर ब्लास्ट से जुड़े मामले में ख्वाजा यूनिस की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद CID जांच हुई और वाजे गिरफ्तार हुए। निलंबन के बाद वो शिवसेना में चले गए, लेकिन 2020 में उन्हें शिवसेना की सरकार में फिर से वर्दी मिल गई। निलंबन के समय वो मीडिया में बतौर विशेषज्ञ आते थे। कहा जाता है कि उस दौरान भी कुछ जांच एजेंसियों ने उनका सहयोग लिया था। वाजे ने शीना बोरा हत्या मामले में और डेविड हेडली पर किताब लिखी है। खबरें ये भी हैं और बहुत अहम है कि एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो वही थी जिसका इस्तेमाल अर्णव गोस्वामी, एक बड़े चैनल के मालिक की गिरफ्तारी के दौरान सचिन वाजे ने किया था। रिपब्लिक TV के मालिक अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए अलीबाग पुलिस गई थी। सचिन वाजे ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था। ATS को अब भी CCTV फुटेज भी मिल गया है, जो पूरा वहां का जो पूरी घटना हुई थी उसका, जिसमें अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी से उसका कनेक्शन सामने आ रहा है। यह भी पता चला है कि उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर फेक है। तो अब देखिए कि ऐसे लोग जब तक पुलिस विभाग में तैनात रहेंगे, तब तक न्याय की कल्पना कर पाना भी कितना मुश्किल है। तो आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।